प्यारे दोस्तों, आज का भारत पार्टी सोच से 1950s का नहीं, बदल चुका है। भारत देखते ही देखते भारत विकसित हो रहा है और यहाँ के लोग समझदार हो रहे हैं। इन गद्दारों ने हमारे देश को गरीब रखा, मजबूर किया और शिक्षित रखा, मूर्ख बनाया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटा, हमारे देश को टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन आज की जनता समझदार हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट परिस्थिति के अभी भी लोग हैं, उस वंश के लोग अभी भी हैं, उस गद्दारों की अभी भी झुंड है जो अभी भी देश को कमजोर करना चाहता है, देश को अभी भी बेवकूफ बना के इन भ्रष्टाचारियों, जातिवादियों, वंशवादियों अभी भी हमारे देश को कंकर करना चाहते हैं। बेमतलब की बुनियाद उठाते हैं। बेरोजगारी हमेशा था, गरीबी हमेशा था, भुखमरी हमेशा था, फकीरी हमेशा था, अज्ञानता हमेशा था, मूर्खता हमेशा था। इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज के प्रिंसिपल को लगाया और हमारे देश को इतना कमजोर कर दिया। लेकिन आज के हमारे युवा वर्ग समझदार हो रहे हैं, उनको अपने देश पर स्वाभिमान आ रहा है, अपने देश को विकसित देखना चाहते हैं। इसीलिए इन गद्दारों को समझ लेना चाहिए कि ये झूठ मूठ की राजनीति, जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर बांटने की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब चाहिए हमें सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की छवि वाला कोई नेता जो देश के लिए जीता हो, देश के लिए मरता हो, देशवासियों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, और ये चमचेबाज, चोट्टेबाज, शैतानों की झुंड को सदा सदा के लिए उठा के फेंक देना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग कभी भी हमारे देश के नागरिकों के साथ न्याय नहीं कर सकते। इनको अपने जीवन में केवल अपने बेटों को, बेटियों को, समों को गद्दी पर बैठाना है। गिना देता हूँ, नेहरू खानदान को देखो, इटालियन लेडी आके दो लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा है। ये लल्लू बिहारी बिहार को गर्त में गिरा दिया, अपने पूरे परिवार को ये एक बिजनेस बना लिया है राजनीति का खड़ा। मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश पूरे परिवार के साथ घिरा हुआ है, उस देश को करो और मरो कर रहा है। देखो इस गद्दार को, करो मरो की नारा लगा रहा है। प्यारे दोस्त, ममता को देखो, वो पूरे बाहर के लोगों को भुला भुला के अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। इस सबसे छोटा इस युग का जो है वो देखो, चोर को दिल्ली का मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचारी जेल में है लेकिन मुख्यमंत्री के पद से अभी भी रिजाइन नहीं किया है। ये देखो, ये भारत को डरा रहा है। चूड़ियां नहीं पहनी है पाकिस्तान, तो उस गद्दारों को पता होनी चाहिए कि पहना जाएंगे। अरे हमारे देश के जितने भी लोग हैं, अगर वो वफादार हैं 140 करोड़, तो एकता में जुड़ जाए, देश के लिए काम करे, सबों का बराबर हक है। लेकिन करोगे कुछ नहीं हो, इलेक्शन के टाइम में दौड़ भाग करोगे, जनता नहीं समझेगी ना। उसको अपने छवि वाला नेता चाहिए, वो आप हो सकते हैं। सबको अपने विचार को परिवर्तन करना पड़ेगा, स्वार्थ की राजनीति छोड़ के हमारी माता और बहनों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सुभाष बोस की छवि वाला देशभक्त जीते जी मैं शहीद हो चुका हूँ। इन गद्दारों की दुर्गति पर मुझे तरस आती है। जागो हमारे हिंदुस्तान के सब लोग, धर्म तुम्हारे घर की बात है, जाति तुम्हारे घर की बात है, लेकिन जब बाहर आते हो तो तुम केवल भारतीय हो। भारत देश के लिए दिन रात काम करो, कर्मवीर बनो, पुरुषोत्तम बनो, महापुरुष बनो, और कभी भी झूठ की राजनीति मत करो। झूठ के बुनियाद पर, बारूद की भेद पर चढ़ के तुम कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। देश को बेचने का, देश को झुकाने का, देश को बर्बाद करने की जो तुम्हारी प्रवृत्ति है ना, ये अभी नहीं चलने वाला है। सारे देश के जितने भी महान हमारे बेटी और बेटे हैं, जो युवा पीढ़ी के या जो समझदार लोग हैं, वो हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहेंगे। और सब गुंडों, देश की शक्ति का तुम कभी कमजोर मत मापना। अरे पाकिस्तान और चाइना भी हमको हिला नहीं सकता है। देशभक्ति में आते हैं हमारे सेना, हमारे सिपाही, हमारी पुलिस एक साथ जुट के तुम्हारी गद्दारी, मक्कारी और गुंडागर्दी को ऐसे क्रश कर देंगे ना, जैसे अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने अपने लिए किया था, लेकिन हमारी देश की सेना और सिपाही आपके लिए करेंगे। इन गद्दारों की
मिट्टी मिलान के ही छोड़ेंगे। देशभक्त शहीद पंडित फकीर योगी बीरेंद्र योगी आपसे विनती करता है, हमारी बात पर विश्वास करिए, देश आपका है, ईमानदारी से ही अपने देश की छवि सुधार सकते हैं। करोगे कुछ नहीं और जीतने की तमन्ना रखोगे, पब्लिक बेवकूफ है क्या भाई? अरे जो जनता के लिए मरेगा, जो जनता के लिए खून पसीना एक करेगा, जो जनता की दुख दर्दों को सुनेगा, उसी का जनता सुनेगी। और ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ये वंश तंत्र नहीं है, जाति तंत्र नहीं है, ये सब पुरानी बातें हो गई। बेवकूफ बनाना बंद कर।